नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर गंजबा सौदा से है। यहाँ एक आठवीं कक्षा का छात्र उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब वो अपनी खुद की लिखी हुई कॉपी को ही नहीं पहचान पाया। और हाँ, पहचानता भी तो कैसे, क्योंकि वो लिखी हुई कॉपी उसकी हैंडराइटिंग में थी ही नहीं। जी हाँ, गंजबा सौदा में एक अजब गजब मामला सामने आया है और इसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या शिक्षा विभाग में ऐसा हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में इस कदर की लापरवाही और हेराफेरी हुई है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही से एक आठवीं कक्षा के छात्र का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। छात्र पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है और पिता शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की मदद ना तो उस बच्चे की गई, ना ही बच्चे के पिता की, और मामला अधर में लटकता हुआ है। बता दें, गंजबा सौदा आठवीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री की परीक्षा में हेराफेरी हुई। यहाँ छात्र अंशुल रघुवंशी ने हिंदी भाषा का पेपर दिया था। जब छात्र फेल हो गया और उसकी कॉपी निकलवाई गई तो पता चला कि अंग्रेजी विषय का पेपर छात्र देकर आया है और हिंदी का पेपर उसने दिया ही नहीं है। और जबकि छात्र उसके पिता ने कहा कि वो हिंदी का पेपर ही देकर आया था। जिस अंग्रेजी की कॉपी उसके रोल नंबर के साथ लगी हुई है, वो उसकी राइटिंग ही नहीं है। बच्चे और पिता ने शनिवार को एसडीएम के नाम आवेदन तहसीलदार संदीप जायसवाल को सौंपा। यहाँ बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए गुहार लगाई गई है। कहा कि जांच कर दोषी शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या नाम? मेरा नाम रघुवंशी है, गंजवाड़ा का रहने वाला हूँ। और मेरे बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं की परीक्षा दी थी सप्लीमेंट्री वाली। उसमें जो पेपर दिया गया मुझे हिंदी का, रोल नंबर हिंदी का दिया गया, सप्लीमेंट्री हिंदी में आई गई। और मैंने जब वो पेपर दिलवा दिया लड़के से, और लड़के को घर जाकर पूछा किसने पेपर देखा है, कहला हिंदी में। तो उसके बाद में मुझे राजेंद्र नगर स्कूल से मेरे स्कूल मॉडल पब्लिक स्कूल में जो खबर पहुँची कि आपके लड़के ने हिंदी की जगह इंग्लिश में पेपर दिया है, तब मैंने वहाँ पे जाके राजनगर में कॉपी देखी तो उसमें निकला कि मेरे बच्चे की वो राइटिंग नहीं है, वो कॉपी बदली गई है। किस स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल का मामला है, मॉडल पब्लिक स्कूल में लड़का पढ़ता था। अभी तक कहाँ कहाँ आपने आवेदन दे चुके? मैंने डीओ साहब के लाने दिया था, जो राजनगर में डीओ ऑफिस है का, वहाँ पे दिया है। वो दूसरा मैंने एसडीएम साहब को लिखा था लेकिन वो नहीं मिली, इसलिए मैंने तहसीलदार साहब को दिया है। उन्होंने 0 नंबर देकर, वो इंग्लिश की कॉपी देखकर 0 नंबर देकर लड़के को फेल कर दिया गया। और रात को रिजल्ट रिन्यू हो गया और सुबह मैंने जब मार्कशीट निकलवाई थी उसमें 0 आया है। और आश्वासन मुझे दे दिया गया था कि हम सुधार करवा देंगे, जो होगा हम करवा देंगे। कॉपी में हिंदी की है तो उसमें आपने मैच कर दी राइटिंग आपकी है या नहीं? मैंने कॉपी जाके कन्याशाला में मैच करी कॉपी, उसमें मेरे बच्चे की राइटिंग नहीं पाई गई। और मैं घर से अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर गया था, उसमें कॉपी नहीं पाई गई। तो आपको कैसे मिसमैच हो गई कॉपी? वो समझ में नहीं आ रही है किसकी गलती है, परीक्षा मंत्री की गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है, या जो वहाँ पे मैडम थी उसकी गलती है, क्या जहाँ कॉपी चेक हो रही है उनकी गलतियाँ हैं। हम इन्हीं का आएगा, लेकिन ऊपर के पेज पे जो हैड राइटिंग थोड़ी 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 मैच कर रही है वो मेरे लड़के से कर रही है, लेकिन उसमें सुधार किया गया है पूरी। से मेरे लड़के ने हिंदी का पेपर दिया और वहाँ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश की कॉपी पाई जा रही, तो उसी के आधार पे इंग्लिश के नंबर ही हिंदी के पेपर में चढ़ाकर मेरे लड़के को पास किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये कहीं से धोखाधड़ी हो गई? यहाँ मुझे लगता नहीं है, 100% विश्वास है कि जो पेपर कॉपी करवा रही आता पेपर का परीक्षा मंत्री है उसकी धांधलियाई के कारण ही ये काम हुआ है। और उसका अगर इसका निराकरण समय पे नहीं हो पाता है तो मेरा बच्चा की साल बर्बाद हो रही है और मैं टेंशन में हूँ। इसके अलावा मैं वैसे ही खेती का टाइम चल रहा हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, गांव पे भी यहाँ पे भी नहीं देख पा रहा। और आज 13 तारीख को जो आवेदन दिया था मैंने, रिजल्ट आने के कम 10 या 15 दिन पहले, तो अभी तक मेरे पास भी वो आप इससे ऐसा कुछ नहीं आया कि आपके लड़के की मैंने सही कर दी। अकेला जे कहने लगे हम ऊपर केस पहुँचा दे रहे हैं। सर, जब मुझे ये बताया जा रही है कि पोर्टल की गड़बड़ी है, तो पोर्टल किसकी आईडी से नहीं खुलता है? यहाँ पे कौन सा नहीं है जो उसका पोर्टल खुल सकता है और उसे सुधार सकता है? जो बच्चे की सप्लीमेंट्री थी वो हिंदी में आई थी, और हिंदी की ही मार्कशीट में जो पहले जो मूल मार्कशीट आती है उसमें हिंदी की सप्लीमेंट्री थी, और हिंदी का सप्लीमेंट्री के बाद इनका सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जो है इनका एनरोलमेंट आता दोबारा, तो जो दोबारा एनरोलमेंट आया वो भी हमने इनको दिया, उसमें भी हिंदी उस पर लिखा हुआ था, और हिंदी का एनरोलमेंट देके हमारा काम खत्म हो जाता है। अब रह जाता है इनका एग्जाम देने का, तो ये अपने एग्जाम देके आए थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदी का एग्जाम देके आए और हिंदी का पेपर इनके पास है, और हिंदी का पेपर से ये अपना एग्जाम देके आए। लेकिन फिर वहाँ से फोन आता है बी ऑफिस से कि साहब बच्चे ने इंग्लिश में हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख दिया है, तो हमारे यहाँ से हमने सर को भेजा और वो देख के आए, तो उन्होंने कहा साहब ये हिंदी का एग्जाम था और इंग्लिश में बच्चे लिख गया है।
हमने इसकी सूचना इनके पालक को दी और पालक ने जाके वहाँ पे देखा और पालक ने भी देखा कि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जबकि बच्चा हिंदी में जब एग्जाम दे रहा है हिंदी में पेपर, तो इंग्लिश में कैसे लिख के आएगा। तो अब ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब विभाग वाले ही बता सकते ज्यादा अच्छे से कि क्या हुआ है। हमारी जानकारी के अनुसार हिंदी में सप्लीमेंट्री है, हिंदी का हमने इन्हें रोल नंबर दिया है और हिंदी का हमने इनको रोल नंबर दे दिया और हिंदी के इनका एग्जाम हुआ है। आप सर ये तो चूंकि देखिए बोर्ड का मामला है और ये प्रशासनिक गलती है, चाहे वो मतलब जिस तरह की भी, जैसे ये बता रहे हैं कि हिंदी में दिया कि इंग्लिश में दिया, ये प्रशासनिक मामला है, उसी की उच्च स्तरीय जांच होकर जैसा भी वो लोग कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। हमारा रोल सिर्फ इतना रहता है हम टाइम टेबल निकाल के इनको देते हैं और रोल नंबर निकाल के देते हैं, वो हम बस वहाँ तक हमारा रोल रहता है। इसके अलावा वो सब जानकारी वही लोग BRC लोग या BA लोग या DA लोग जो भी हैं, वो सब उच्च अधिकारी जो भी हैं शिक्षा विभाग के, वो दे पाएंगे, इसमें हमें कोई जानकारी नहीं दे सकते। गंजबासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। हालांकि ये कैसे हुआ कोई बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। दिल्ली की नीट परीक्षा, गंजबासौदा का 8वीं सप्लीमेंट्री की परीक्षा का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। छात्र के पिता ने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करने और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।